हेलो दोस्त, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल ड्राइव क्या होता है और गूगल ड्राइव के क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों, गूगल ड्राइव एक सेम पेन ड्राइव की जैसा ये प्लेटफॉर्म है और पेन ड्राइव एक डिवाइस हो गया, तो सेम पेन ड्राइव की जैसा होता है। जैसा कि आप पेन ड्राइव में कोई भी फोटोज़ अपनी, कोई भी वीडियो हो या कोई भी आपका डेटा हो, कुछ भी फाइल हो, आप स्टोर करके रख लेते हैं और आप उसे कहीं और किसी और लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में आप उसको एक्सेस करते हैं और उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। सेम उसी के जैसा ये गूगल ड्राइव भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना फ़ोटो, वीडियोस, कैसा भी डेटा हो आप वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं और उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, एक नॉर्मल जीमेल अकाउंट लॉगिन करके। दोस्तों, उसके लिए आपके पास मोबाइल का ना होना भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास मोबाइल है। आप कहीं भी इसको लॉगिन करके आप अपना फाइल, जो भी है, रिज्यूम, जैसा भी आपका फाइल हो वैसे आप कहीं भी उसे यूज कर सकते हैं। चलिए आपको करके मैं बताता हूँ। दोस्तों, आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको गूगल ड्राइव सर्च बॉक्स में लिखना है। गूगल ड्राइव लिखने के बाद आपको गूगल ड्राइव डाउनलोड करना है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो, क्योंकि आजकल फ़ोन, सारे फ़ोनों में गूगल ड्राइव आता ही है। ठीक है, तो आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है इसलिए मुझे ऐसा इंटरफेस दिख रहा है और मैंने कुछ फाइल्स अपलोड भी की हुई हैं। अगर आप नया अकाउंट, मतलब नए, पहली बार आप इसको ओपन कर रहे हैं तो आप इसको लॉगिन करना पड़ेगा अपने जीमेल अकाउंट से। ठीक है, आप अपने पहले सबसे पहले तो आप इसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 15 GB स्टोरेज मिलता है गूगल की तरफ से। आप 15 GB अपना जो भी डाटा है वो अपलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए तो आप कुछ प्रीमियम लगता है, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है और आपको और भी स्पेस खरीद सकते हैं। ठीक है, मंथली या ईयरली प्लान के साथ, अगर आपको 15 GB से ज़्यादा चाहिए तो। ठीक है, अगर रही बात आपको अपलोड करने की, तो आप यहाँ जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है राइट साइड में नीचे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं अपलोड के, फोल्डर के। तो सबसे पहले अपलोड, अगर आप अपलोड फोल्डर में करना चाहते हैं, जैसे कि आप फोल्डर, कोई फोल्डर क्रिएट करके आप उसमें कोई फाइल्स अपलोड करना चाहते हैं, जैसे फ़ोटोज़ के फोल्डर किया फ़ोटो करके और उसमें सारे फ़ोटोज़ आप रखना चाहते हैं कुछ, तो आप यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे। देखिए आपको क्रिएट का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे फ़ोटोज़, फ़ोटो करके मैंने क्रिएट कर दिया। ये देखिए मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, फ़ोटो करके मैंने देखिए ऑलरेडी 2-3 क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माई ड्राइव कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में भी इसको लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से भी कोई भी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं इसी जीमेल अकाउंट से। ये जो आपने इस अभी जो जिम अकाउंट ईमेल आईडी से आपने लॉगिन की हुई है, उसी ईमेल आईडी से उधर भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, माई ड्राइव में, फ़ोन में भी आप अपना यूज कर सकते हैं। चलिए हम आप एक अपलोड करके देखते हैं फाइल को। ठीक है, आप सीधा प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड पे जाएंगे। अपलोड पे जाने के बाद से आपका लोकल ड्राइव खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेरा डाउनलोड्स खुल गया आप लोग के पास, जिसमें ये देखिए वीडियो, ऑडियो, रिसेंटली, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल जो भी स्टोरेज, जहाँ पर भी आपका फाइल होगा वहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे पहले। चलिए मेरा डाउनलोड खुला हुआ है, मैं आपको एक एप्लीकेशन 1 MB का, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसको हम सेलेक्ट किया, देखिए अपलोड होने लगा ये फाइल। ठीक है, ये आपका फाइल अपलोड होने लगा। आप ऐसे करके अपने फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, 15 GB कम नहीं होता है, 15 GB आपको मिलते हैं गूगल की तरफ से। ठीक है, गूगल ड्राइव पे आपको कहीं पे कोई फ़ोन वोन कहीं भी आप जा रहे हैं तो ऐसा, खाली आपको आपके जीमेल अकाउंट याद होने चाहिए, आप कहीं भी अपने फाइल्स को डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये फाइल्स किसी को शेयर, जैसे कि आप लिंक, इसका लिंक भेजना चाहते हैं अपने दोस्तों को कि ये मेरा लिंक है और यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। ये मेरा एक फ़ाइल है, मैंने डाउनलोड, यहाँ पे जाना है और ये देखिए
थ्री डॉट पे जाना, ये देखिए आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, लिंक को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो चाहें आप कर सकते हैं यहाँ से, बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप पेन ड्राइव में यूज करते हैं तो पेन ड्राइव आपको रख के लेके जाना, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे गूगल ड्राइव यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ सीखने को मिली है तो लाइक, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, अगर अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।